तो उसका हम रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, गुरदासपुर के एसपी को एनआईए ने समन जारी किया है। एसपी सलविंदर सिंह को दिल्ली बुलाया गया है और उनके खिलाफ ये समन जारी हुआ है। सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी संभव है। गुरदासपुर के एसपी को एनआईए ने समन जारी करके दिल्ली बुलाया है और माना यह जा रहा है कि जब वो दिल्ली आएंगे तो उस समय उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और उसके बाद एक के बाद एक बड़े अधिकारी सवालों के घेरे में है। फिलहाल गुरदासपुर के एसपी हैं जिन्हें एनआईए ने समन जारी किया है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब एसपी को देना होगा और इसी वजह से उन्हें एनआईए की टीम ने दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें कि लगातार एसपी सलविंदर सिंह सवालों के घेरे में हैं और माना जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट से तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलने की उम्मीद की जा रही है, जो सवाल एनआईए के मन में इस वक्त चल रहे हैं। दिल्ली ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, पहले से भी माना जा रहा था कि सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है और तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलने की उम्मीद कम से कम लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए एनआईए कर रही होगी। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से सलविंदर के जो पूछताछ में लगातार विरोधाभास सामने आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए एनआईए ने फैसला किया है और एनआईए के सूत्रों की माने तो जल्दी उसे दिल्ली बुलाया जाए। लाई डिटेक्टर के साथ साथ यहीं पर भी उससे एक राउंड की पूछताछ होगी, क्योंकि जो सहयोगी दो सहयोगी उसके कुक और उसके दोस्त दोनों से जो पूछताछ हो रही है उसमें बातों में काफी विरोधाभास देखा जा रहा है। चित्रा, बातों में विरोधाभास है और इसी वजह से माना जा रहा है लाई डिटेक्टर टेस्ट से काफी मदद मिलेगी एनआईए को। फिलहाल के लिए शुक्रिया राकेश जी, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।